अवधि अभी तक सामान्य रूप से प्रातःकाल 6:30 बजे के बाद दर्शन प्रारंभ होते हैं। अब ये विचार किया गया है केवल एक दिन के लिए 17 तारीख, कल 16 को ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, 18 को भी लागू नहीं होगी, केवल एक दिन के लिए प्रातःकाल समाज 3:30 बजे से दर्शन करने की लाइन में लग सकता है। भगवान की मंगला आरती, भगवान का अभिषेक, भगवान को श्रृंगार करना, नए वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, ये सब कार्य भी चलते रहेंगे, दर्शन भी चलते रहेंगे। लेकिन जो एक लोकाचार है, वो लोकाचार क्या है कि भगवान का भोग एकांत में होना चाहिए, वस्त्र पहनाने का काम 2-4 मिनट के लिए एकांत में ही होना चाहिए। तो भोग लगाने के लिए कुछ वस्त्र थोड़ी देर के लिए, अधो वस्त्र पहनाने तक के लिए पड़ता रहेगा। भगवान को 4 बार भोग लगता है, प्रातःकाल 6:30 बजे, उसके पश्चात 9 बजे के लगभग, 9 बजे नैवेद्य कहते हैं, संक्षिप्त में हम लोग भी कभी चाय बिस्कुट ले लेते हैं 9 बजे, राजभोग दोपहर को 12:30 बजे, फिर आप लोग भी शाम को 4 बजे कुछ चाय लेते हो, भगवान को भी दिया जाएगा नैवेद्य, शब्द बदल दिया गया, और फिर रात्रि का भोजन। तो जिस समय भोग लगेगा, अधो वस्त्र पहनाए जाएंगे, ये अल्पकालिक क्रिया है, 2-5 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, तो 2-5 मिनट के लिए पर्दा डाला जाएगा। तमाम भारतवर्ष से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि भगवान का भोग 4 बार, भगवान को वस्त्र बदलना, वस्त्र पहनाना, अधो वस्त्र, उस समय के पर्दे पर धैर्य रखें। पर्दे का मतलब है अधिक से अधिक 5 मिनट में पर्दा खुल जाएगा, दर्शन चलते रहे। प्रातःकाल श्रृंगार आरती के बाद, मंगला आरती के बाद भगवान का श्रृंगार, पूजा, ये सब चलती रहेगी, दर्शन भी चलते रहेंगे। इसी प्रकार दोपहर को 12 बजे के पहले भगवान का अभिषेक होगा, उत्सव मूर्तियों का अभिषेक होता रहेगा, रामलला के वस्त्र बदलने का काम चलेगा, दर्शन भी चलेंगे, अधो वस्त्र बदलने तक का पर्दा रहेगा, भोग के समय थोड़ा पर्दा रहेगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट, शयन आरती 6 बजे भी कुछ आरती होती है, संध्या आरती, रात की शयन आरती, दर्शनार्थियों की संख्या नियंत्रित होने के बाद करेंगे। अभी 9:30 बजे प्रवेश बंद हो जाता है, रात को प्रवेश 17 तारीख को, ये 11 बजे तक चलाएंगे, देखते रहेंगे दबाव कितना है समाज का, पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, और उसका विचार करते हुए
रात्रि की शयन आरती होगी। कम से कम 11 बजे तक का प्रवेश सुनिश्चित है। तो अगर हम 3:30 बजे से प्रारंभ करें, 4 बजे से प्रारंभ करें, तो ये लगभग 19 घंटे दर्शन हो रहे हैं। 19.5 घंटे तक दर्शन होंगे।